भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और सोम प्रकाश के मुकेरिया दौरे को देखते हुए विभिन्न किसान संगठनों ने मुकेरिया के विश्राम गृह में धरना दिया। भाजपा विरोधी नारे लगाए गए और पुलिस से भिड़ गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और सोम प्रकाश के आने की खबर जैसे ही विभिन्न किसानों को मिली, पुलिस ने मुकेरिया में किसानों को सड़क पर रोकने के लिए धरना दिया। एनस्टार न्यूज के लिए होशियारपुर से जॉनी गेरा की रिपोर्ट। किसान सारे इकट्ठे हैं रेस्टोरेंट के बाहर, की कहना चाहते हैं? अब जो बीजेपी के लीडर इतने इकट्ठे हो रहे हैं अपनी मीटिंग करने वास्ते, अश्विनी शर्मा जलसा करने वास्ते, असं उन्होंने किसान जथेबंदियां जो संयुक्त मोर्चे वालों आर्डर है कि उन्होंने बीजेपी का विरोध किया जाएगा, वो विरोध वास्ते जिन्या भी हर साहब मानसा टोलो पलाई जिन्या भी किसान जथेबंदियां काम कर रही वो सारिया इकट्ठिया होकर मकेरिया के उन्होंने विरोध वास्ते आए। जिथे बख बख बीजेपी का विरोध हो रहा फिर भी मुड़ते की कहना चाहते हैं? असं इन्हों कहना चाहते हैं कि तुम जो काले कानून है उन्होंने रद्द कराओ, तो जिन्हें मर्जी जलसे करो, लेकिन जिनी देर तक साढ़े काले कानून जो रद्द नहीं होंगे असं तो मीटिंग से की तू गलिया बनना ता पिंड मुश्किल कर देंगे। इस करके साथ बेनती है कि अपनी सरकार सेंटर गौरमेंट को कहो जलसे करने की बजाय सेंटर गौरमेंट को कहो भी अपने जेड़े है कानून रद्द करो, ये किसान मारू है, मजदूर मारू है, मुलाजम मारू है। तुसी किसान जथेबंदियां रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, की कहना चाहते? ये जरा अश्विनी शर्मा सोमनाथ है, ये दूजे तीजे दिन आ गए मकेरी आना आँदे आँदे हाँ जी जुत्तियां खा के ना जाने तो अज भी अभी बंगान रहे हैं कि जब ढे से जरूरत है तो आओ इतने किसान आए हैं। जब तक काले कानून वापस ना करेगी ये सरकार, ना सेंटर से इन्हों अमल ना बहन देना, ना इन्हों के पिंड वड़न देना, ना शहर वड़न देना। ये अश्विनी कुमार शर्मा तो सोमनाथ इन्होंने अज फिर प्रोग्राम रखिया, असं आए हैं साड़ी ललकार है, जो जरूरत है तो हूँ तो फिर तरले मार देना, तरले लगे नठ जाना फायदा कोई नहीं। बीजेपी सरकार जब तक काले कानून रद्द नहीं करेगी इन्हों चैन किसान नहीं बैन देंगे। बोले सो निहाल।